धन भयो अति आर्था युगल जान में असमन पाग्यो युगल ध्यान में असमन लाग्यो पूछन हित पंडित किसी भाग्यो पूछन हित पंडित दिशे भाग्यो या गोवर्धन पंडित से पता पूछने के लिए बड़ी व्यग्रता से पंडित की ओर भागा जा रहा है। पूछन हित पंडित दिशि भाग्यो पूछन हित पंडित दिशे भाग्यो पूछन हित पंडित दिशि भाग्यो पूछन बाह पंडित बाह मुझे क्या पता था कि इन कथाओं में ऐसे ऐसे मालदारों की चर्चा होती है। ऐसे ऐसे मालदारों की चर्चा सोने के मुकुट बाप रे बाप एड़ी से चोटी तक गहने ही गहने वो भी चांदी के नहीं सब सोने ही सोने के और उनमें उनमें इतने लाखों करोड़ों की कीमत वाले रतन जड़े बस दो बच्चों ही तो ठहरे गाय चराने जंगल में जाते हैं जो ही लठ दिखाऊंगा डर के मारे सिकुड़ जाएंगे और उनके सारे गहने छीन कर ले आऊंगा जैसा मनोरथ लेकर चला था वैसा ही होने वाला है। बस बस अब तो आवश्यकता है उनका सही पता ठिकाना मिल जाए किस गांव के हैं किस जंगल में गाय चराने जाते हैं इस काम के लिए तो उस पंडित को ही पकड़ना होगा। चलो अभी रास्ते में ही जा रहा होगा। पंडित से चल पूछलू पत को पतो ठिकाना तभी पहुंचनो लूटनो होवे अति आसान हटक मार्ग में विप्र को पूछत भय दिखराए कृष्ण और बलराम को दीजे पतो बताए। ओ पंडित जी पंडित जी ठहरो कौन है भाई? मैं गोवर्धन डाकू। क्या बात है इस रात्रि के समय में क्यों रोक रहे हो? मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। पहचान भी जाओगे भागो मत पंडित भागने से बच नहीं पाओगे। तुमसे कोई विशेष काम नहीं है एक दो बात पूछनी है बता दो और तुम्हारी छुट्टी। हे भगवान अब जान में जान आई जान अब पहचान लिया? जी हाँ पहचान लिया। आप तो श्रीमद् भागवत की कथा में आए थे ना? हाँ हाँ मैं वही नया श्रोता हूँ जिसको तुमने कहा था कि कथा में नए आए हो क्या? मैं वही हूं। अब तो अच्छी तरह पहचान गया भाई। कहिए क्या पूछना है? पहले तो ये बात कहना है कि डर को अपने मन से निकाल दीजिए। आपके प्रति मैं कोई ऐसा कठोर कदम नहीं उठाऊंगा। दूसरी बात यह है
कि आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे पता ठिकाना बता दो। किसका पता ठिकाना? अपना? तुम्हारा पता ठिकाना लेकर क्या करूंगा? कथा करा लेना एक बार। अरे तुम्हारा पता ठिकाना लेकर के हमें भोजन कराना है और कथा कराना है थोड़े। जो दो बच्चे हैं सवेरे सवेरे गाय चराने जंगल में जाते हैं उनका पता ठिकाना चाहिए। अच्छा, वो कृष्ण और बलराम का पता ठिकाना चाहिए आपको? जी हाँ, उन्हीं का पता ठिकाना चाहिए। अजी भाई, उनसे कोई खास काम है क्या? जी हाँ, खास काम है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो, क्या काम है? इतने समझदार होकर भी नहीं समझ पाए, मैं डाकू हूं, डाकू लूटमार के सिवा और मुझे किसी से क्या काम हो सकती है? तो सुनो, अभी मैं बता रहा हूं, आप जो पूछ रहे हो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक से सुनो। आ जाओ, करीब आ जाओ, आपने कही कि डरो मत, आप करीब आ जाओ। चलो, उन दोनों भाइयों में से एक का नाम श्री कृष्ण और दूसरे का नाम श्री बलराम है। उनके पिताजी का नाम श्री नंदराय जी है। वे गोकुल के रहने वाले हैं। वे गाय चराने के लिए कभी वृंदावन, कभी महावन, कभी भांडीर वन, कभी छाहरी इत्यादि में जाया करते हैं। पंडित जी, वहां जो तख्त पर बैठ के सुना रहे थे तो गाय गाय के सुना रहे थे, वह और अच्छा लगता था, उसी तरह गाय गाय के सुनाओ। भगवान की कथाएं होती ही हैं अच्छी लगने वाली। आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही सुनाऊंगा, ठीक है? बैठ जाओ एक जगह स्थिर से। हाँ हाँ, गाय गाय के सुनाओ। हाँ हाँ, और खूब विस्तार से सुनाओ, एक एक बात खोल कर सुनाओ, मुझे क्या सुनना है वो भी मुझसे सुन लो। हाँ हाँ, बताओ क्या सुनना चाहते हो? पंडित दे दो पता ठिकाना, पंडित दे दो पता ठिकाना, गाय चरावन पन में जिनका रहता या ना जाना, पंडित दे दो पता ठिकाना, पंडित दे गाय चरावन जिनका वन में रहता आना जाना, पंडित दे दो पता ठिकाना, पंडित दे दो पता ठिकाना। हाँ, गद्दी पर बैठे तुम जिनका करते रहे गुण गाना, दो बच्चे आभूषण साजे धंधा गाय चराना, पंडित दे दो पता ठिकाना। मैं आपका भाव समझ गया, आप क्या पूछना चाहते हो? रुक जाइए, अभी क्या बताना है, हम अभी बता रहा हूँ। और डाकू हूँ मैं, नाम गोवर्धन, जाने जिसे जमाना। हाँ, डाकू हूँ मैं, नाम गोवर्धन, जाने जिसे जमाना। खोल खोल सब कहो न हमसे रह बात छिपाना, पंडित दे दो पता ठिकाना, पंडित दे दो पता ठिकाना। डरो नहीं, चांदी हीरे मोती दौलत माल खजाना, सो हाँ, हीरे मोती सोने चांदी दौलत माल खजाना, जब लगे उन्हें लूट नहीं लूं, नहीं भावे पीन
खाना खाना पंडित दे दो पता ठिकाना पंडित दे दो पता ठिकाना लगन मुहूर्त सही बताना सफल होता ना बाना लगन मुहूर्त सही बताना सफल होता ना बाना तुमको भी लाके कुछ दूंगा बात सत्य पतियाना पंडित दे दो पता ठिकाना ओ पंडित दे दो पता ठिकाना बस पंडित भद्र मूर्ख है लठ गमार यह पंडित ने अनुमाना द्वापर की इस लीला कथा को वर्तमान की माना पंडित दे दो पता ठिकाना हो पंडित दे दो पता ठिकाना हाँ नारायण को दास ने हनिधि अचरज भरे महाना कौन सुकृत ते क्षण भर की यह कथा बनी बरदाना पंडित दे दो पता ठिकाना पंडित दे दो पता मुझे जो कुछ कहना है वो मैंने कह दिया उसी के अनुसार अब आप सुनाओ पहले तो पंडित जी डर रहे थे कहीं प्राणों पर न बीतने लगे लेकिन जब आश्वासन दिया तब मन में शांति हुई और वर्णन करना शुरू किया पुनः है तो मथुरा के निवासी लेकिन गोकुल हाल मुकाम है तो मथुरा के निवासी लेकिन गोकुल हाल मुकाम अजी चरावे वृंदावन में गाए नाम है कृष्ण और बलराम चरावे वृंदावन में गाय नाम है कृष्ण और बलराम शीश पे सोने के हैं मुकुट सच 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 हाथ में सोने की ही लकुट तुम तो लकड़ी के डंडे लिए हो ना और उनके हाथ में सोने की ही लकुट और कान में रहे कानन में कुंडल लटक चमकते हीरे जड़े तमाम रहे कानन में कुंडल लटक चमकते हीरे जड़े तमाम और सुनो मुकुट में जड़े हैं करी के जतन लाख लाखन के इक इक रतन अजी कलंगी तुर्रा पर सुरखाब अमोलक कीमत बहुत गुदाम है तो मथुरा के निवासी लेकिन तो हाल मुका जब उनकी ओर निहारोगे ना तो तुम्हारी आंखें चकाचौंध में पड़ जाएंगी निरखी आंखन में लगे चकचौंधी किरण छिटके जो बिजली कौंधी पगन में पड़े बुद्धि हुए औंधी होती हठ बिनु ही मोल गुलाम पगन में पड़े बुद्धि हुए औंधी होती हठ बिनु ही मोल गुलाम शरावे वृंदावन में गाए नाम है कृष्ण और बलराम शरावे वृंदावन में गाए नाम है कृष्ण और बलराम बताऊं जब अपने अधर पे मुरली धारण करके और एक बार आवाज लगाते हैं मधुर सी आवाज ना तो जड़ों में तो चेतनता आ ही जाती है जी और चेतन प्राणियों में उसी में रस का संचार होने लग जाता है अधर धर मुरली मधुर बजावे सुनी जड़ चेतन सुधी विसरावे
नीर यमुना को ठिठक ठहरावे धावे बोरी होए ब्रजवामी। नीर यमुना को ठिठक ठहरावे धावे बोरी होए। और सुनो गौर तो नीलांबर कटिक से श्याम को पीतांबर ही बसे निह निधि नारायण मन फसे सहज ही बिक जावे विनुदाम। नेह निधि नारायण मन फसे सहज ही बिक जावे विनुदाम। चरावे वृंदावन में गाय नाम है कृष्ण और बलराम। वह पंडित वह आप धन्य हैं। एक बार और सुनाओ उसको सुनते सुनते जी अघाता नहीं। भाई गोवर्धन आप भी गजब के श्रोता मालूम पड़ते हैं जी। सुनो मैंने जो बातें बता दी। हाँ सुनाइए। जितने आभूषण उनके अंग प्रत्यंग में लगे हैं केवल उन्हीं का चिंतन करते रहो। मेरे वश की बात नहीं कि मैं सभी आभूषणों का वर्णन कर दूं। वर्णन सुन के डाकू बोल्यो भूषण पै मन अतिशय लोल्यो पंडित फिर से वर्णी सुनावो भूषण नाम पुनः दुहराओ। पंडित फिर से लगे सुनाने गहने गिन गिन लगे बताने। पंडित जी वो दो बच्चे जहां गाय चराने जाते हैं वहां पहुंचने के लिए किस दिशा से प्रस्थान करना होगा ये तो आप छोड़ ही दिए। और किस जंगल में गाय चराने जाते हैं उस जंगल का भी पता ठिकाना बताओ। भाई गोवर्धन जी उनके गाय चराने वाले क्षेत्र का तो बहुत विस्तार है। उनके अलग अलग नाम हैं। कुछ वनों के नाम मैं बता रहा हूं। श्री वृंदावन भांडीर वन तालवन। और धीरे धीरे बोलिए मुझे नाम ये याद भी करने हैं। ऐसा करो साथ साथ बोलते चलो। मधुवन मधुवन वृंदावन वृंदावन भांडीरवन भांडीरवन तालवन तालवन खादिरवन खादिरवन बेलवन बेलवन गिरी गोवर्धन। अरे इसमें तो मेरा भी नाम आ गया है। हाँ। मेरे नाम का भी कोई जगह है क्या? हाँ है ना। मधुवन से कुछ ही दूरी पर गोवर्धन नाम का पर्वत है। अच्छा। कभी कभी कन्हैया की गैया वहां भी चरने को जाया करती हैं। ठीक है आगे बोलिए। अभी आप कह रहे थे कि मुहूर्त बताओ। आपने कहा ना पूछा ना। हाँ बताइए मुहूर्त बताइए। मुहूर्त बताऊं? सन्मुख अर्थ लाभाय पंचांग निकाला हूं मैं देख रहा हूं आपको सही सही बात बता रहा हूं। कन्हैया आपको मिलेंगे जाओगे तो। सन्मुखे अर्थ लाभाय दक्षिणे सुख संपदा पृष्ठ तो मरणम चैव वामे चंद्रे धनक्षय। इस समय चंद्रमा का मतलब क्या हुआ? इस समय चंद्रमा इस यात्रा में आपके दाहिने रहेंगे। वाह और बोलिए। अतएव आपको सुख और संपत्ति दोनों की गहरी प्राप्ति होगी जी गहरी प्राप्ति होगी। अगर आपके कथनानुसार भगवान हमारा मनोरथ पूर्ण कर दे पंडित जी तो उसमें से लाकर कुछ आपके चरणों में भी अर्पण करूंगा। अच्छा मैं चलूं पाय लागूं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान आपके कृपा से जान में जान आई। मैं तो ऊपर से बता रहा था और ये सही समझ गया। घुस गए दोनों मन में जैसे भी हो खोज निकालूं कहीं छिपे हो बन में। गोवर्धन चल पड़ा पाय
पंडित से पता ठिकाना, वृंदावन यमुना तट उनका रहता आना जाना। कृष्ण और बलराम उम्र है मात्र बरस 9-10 की, मुझसे बच के निकल सके अब बातन उनकी बस की। छोटे छोटे बच्चे ठहरे जो ही लठ दिखाऊं, छुई मुई की तरह सिकुड़ जाए सहज लूट ले आऊं। कानों के मार्ग से भगवान इसके हृदय में आ गए हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलं कृष्ण सलिलेषु यथा सरत। यह डाकू चल पड़ा है वृंदावन के लिए, झूमते हुए चल रहा है गाते हुए कैसे। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। कदम वृक्ष यमुना तट गोकुल वृंदावन, वृक्ष यमुना तट गोकुल वृंदावन, वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि गोवर्धन, वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि वृंदावन। बंसी बट यमुना तट धीर समीर सघन, काली दह भांडीर छाहरी चीर हरन। बंसी बट यमुना तट धीर समीर सघन, काली दह भांडीर छाहरी चीर हरन। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। अब तो आगे वाली बात और आनंद देने वाली है। इनका काम क्या है? बंसी वादन नर्तन कीर्तन गोचारन, बंसी वादन नर्तन कीर्तन गोचारन। संकट तारन भय हारन भक्तन उद्धारन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल। ये तो है उनके जगह का नाम, उनका नाम। कृष्ण और बलराम कन्हैया मनमोहन, और बलराम कन्हैया मनमोहन, दाऊ और बलदेव शेष प्रभु शंकर सन, गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, सुंदर श्याम नीलमणि कन्हो जन जीवन। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन, दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन, राधा रमन गिरिराज धरन मैं तेरी शरण, राधा रमन गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। यही बहाने भो प्रारंभ भजन सुमिरन, होवे शीघ्र कृतार्थ नेह निधि नारायण। बेचारे का भजन शुरू हो गया। यही बहाने भो प्रारंभ भजन सुमिरन, यही बहाने भयो प्रारंभ भजन सुमिरन, होवे कृतार्थ नेह निधि, होवे शीघ्र कृतार्थ नेह निधि नारायण, हो
शीघ्र कृतार्थ नेह निधि नारायण वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन। चल पड़ा डाकू गोवर्धन वृंदावन को लक्ष्य कर, हो गए मन बुद्ध केंद्रित सिमट के एक पक्ष पर। मन में अतिशय शीघ्र उत्कंठा बढ़ी थी जा रही, कृष्ण और बलराम की छवि ही गड़ी सी जा रही। दोनों के नख सिख सुभूषण नयन मन में छा रहे, कौन हूँ कित जा रहा हूँ देह भान भुला रहे। मन में सुमिरन ध्यान था, अजी मन में सुमिरन ध्यान था, वाणी में कीर्तन आ गया, हो गया तन्मय गोवर्धन गीत हरि का गा गया। मैं तो वृंदावन को जाऊं, वृंदावन में नंद का लाला श्याम सुंदर है नाम। नाऊ मैं तो वृंदावन को जाऊं, मैं तो वृंदावन में नंद का लाला श्याम सुंदर है नाऊ मैं तो वृंदावन में जाऊं, हो मैं तो वृंदावन को जाऊं। यमुना तट पर गाय चरा कदम्ब वृक्ष की छाऊं, लाखन लाखन करोड़न के भूषण पहिरे सब छीन ले आऊं। मैं तो वृंदावन को जाऊं, मैं तो वृंदावन को जाऊं। सोने की बंसी लड़ी मोतिन की सब हथियाऊं, जो राजी से तैन चहे नहीं मुक्का एक जमाऊं। मैं तो वृंदावन को जाऊं, मैं तो वृंदावन को। एक दिन में इतनी संपत्ति पाऊं लख, एक दिन में इतनी पाऊं लाखपति कहलाऊं। एक दिन में इतनी संपत्ति पाऊं मैं लखपति जो कहलाऊं। लूट मार के धंधा तज के, लूट मार के धंधा तज के, चैन की बंसी बजाऊं। मैं तो वृंदावन को जाऊं, मैं तो वृंदावन को जाऊं। चलते चलते रात भर को कही सके कितना चला, अनजान में प्रभु और चल कर हो गया उसका भला। वह तो अपनी समझ से जा रहा प्रभु को लूटने, पर क्या पता जा रहा संसार इससे छूटने। कृष्ण और बलराम के प्रति गतिमति अनुरक्त थी, भावना विपरीत थी, पर कृष्ण प्रति आसक्त थी। पारस से लोहा प्रेम से या बैर से टकराएगा, तज के लोहापन अवश्य वह स्वर्णपन को पाएगा। इस समय उसको नींद थी नहीं भूख थी नहीं प्यास थी, वृत्ति सतपत सिमट के टिकी हरि पर आस थी। चलते चलते बहुत दूर चला है, रात भर चला, बेचारा थक गया है। हे भगवान, अभी वृंदावन कितना दूर है, रात भर चला पाँव फटने को आई, अभी और कितना चलना पड़ेगा। रात्रि का समय है, कोई यात्री भी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे पूछूं। ठीक है, जब इतना चला तो थोड़ा और सही, आगे चलूं, थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा, फिर लोगों का आने जाने का तांता लग जाएगा, फिर किसी से पूछ लूंगा, आगे पता चल जाएगा। वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन।
वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन। थोड़ा सा थोड़े से समय की कथा ने इसके कान में प्रविष्ट होकर कितना आनंद किया। श्री कृष्ण बलराम आपस में विचार करने लगे क्या करना चाहिए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पतित पावन भगवान की जय हो। दाऊ दादा। बोलो कन्नू क्या सोच रहे हो। एक पंडित से हमारी द्वापर की गोचारण लीला का वर्णन सुनकर यह गोवर्धन डाकू वर्तमान की मान बैठा है और हम दोनों को लूटने की भावना से चल पड़ा है हमारी ओर। कन्हैया अतिशय मूढ़ बुद्धि जो ठहरा, जीवन में पहली बार कथा सुनने का अवसर मिला, उसे हमारी लीला का भूतकालीन एवं वर्तमानकालीन स्थिति का क्या पता है। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, यह तो अतिशय लठ कमार मूढ़ बुद्धि का है। वह तो ठीक है, महामूढ़ गमार है, किंतु कभी कभी यही मूढ़ता मेरी कृपा प्राप्ति की दृष्टि में सहायक सिद्ध होती है। मेरी प्राप्ति की दृष्टि में चमत्कार दिखा जाती है तथा अधकचरी पंडिताई भी माया जाल के तर्क जाल में उलझाती और भटकाती रह जाती है। यह भी ठीक ही कहते हो। मैंने तो अपने जगन्नाथपुरी में उड़ीसा के कई निवासियों से एक कहावत सुनी है कि मूढ़े तरंती दृढ़े तरंती और मझमझिया तो बूढ़ी मरंती, अर्थात भवसागर से वही पार पा सकते हैं जो अतिशय मूढ़ बुद्धि का हो अथवा जो दृढ़ता की चरम सीमा पर पहुंच गया हो, और ये मझमझिया अधकचरे लोग बीच में डूबते उतराते रहते हैं। दाऊ दादा आपका कथन सोलहों आने सत्य है। बात यह है कि सच्चे खोजी ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं और भव सागर से पार लग जाते हैं। दूसरी ओर अतिशय मूढ़ बुद्धि वालों में तो तर्क जाल की उलझन होती नहीं, अतः वे हृदय प्रधान होकर मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं। फिर तो उनकी लगन और मेरी ओर झुकाव देखकर मुझे भी द्रवित होना पड़ता है। आज इस गोवर्धन डाकू की यही दशा है। फिर तो इस पर कृपा होनी ही चाहिए। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यद्यपि इसका भाव भक्तिपूर्ण नहीं है, तथापि हमारी ओर झुकाव गजब का है। इस समय इसे कृष्ण बलराम एवं गोकुल वृंदावन के अलावे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि प्रेम भक्ति या बैर भाव से जो कोई मुँह कुध्यावे, मन मनस्क मन मति होवे, वह निश्चय मोकु पावे। फिर तो चलो हम लोग भी उसे उलझ कर आनंद लें। ठीक है पधारो। जीव की क्या समर्थ जो अपनी योग्यता एवं साधन के बल तक हम तक पहुंच सके, किंतु हम तो सर्व स्वतंत्र परम सामर्थ्यवान हैं। हम जब चाहें जहां चाहें अथवा जिसे चाहें जिस किसी को भी अपना बना सकते हैं। वैसे तो इस चोरी डकैती का धंधा करने वाले गोवर्धन डाकू के लिए हम अज अलग अगोचर अज अविनाशी तक पहुंचना और लूट लेना संभव नहीं है, किंतु लीलावश अपनी सहज कृपा के द्वारा हम इस तक पहुंच सकते हैं और इसका मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। इस भोले भाले नादान प्राणी ने तो एक साधारण नदी को ही यमुना नदी मान लिया है और एक साधारण वनस्थली को वृंदावन समझ लिया है। संयोगवश इसे कदम वृक्ष का भी दृष्टिगोचर हो चुका है। अब चले इसके सम्मुख अपनी लीला रचावें। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्, जहाँ जिसका भाव केंद्रित वहीं पर प्रगटाम्यहम्। ठीक है चलो।
दोनों भक्त वत्सल प्रभु चल पड़े। आज इस गोवर्धन पर पतित पावनत्व गुण प्रकट करने के लिए गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा, भाग्य है तेरा गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। कृष्ण कृपा भाजन होगा अब तुझ सा महा लुटेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। कृष्ण कृपा भाजन होगा अब तुझ सा मान लुटेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। एक दिवस की कथा न तेरा दिल दिमाग अस मोड़ा, हाँ एक दिवस की कथा न तेरा दिल दिमाग अस फेरा। मोहन सा अब गई बीत जीवन का हुआ सबेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। जो जही भाव हो य भावित जिन जिनने प्रभु को टेरा, तेही तेही विधि प्रभु नारायण मिली किए चरण को चेरा, गोवर्धन धन धन्य भाग्य है तेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। ती ती विधि प्रभु नारायण मिल किए चरण को चेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा, गोवर्धन। रात भर चलते चलते सुबह हो आया है, भोर होते ही उसे एक नदी दिखलाई पड़ी, श्याम जल था पांति वृक्षों और लताओं की खड़ी, मान कर उसको ही यमुना पुलिन और श्री वृंदावन, खोजता फिरने लगा तरुवर कदम्ब सुव्यग्रमन। कभी थक जाता चलते चलते, कभी बैठ जाता है और मन ही मन सोचता है भगवान हे भगवान हे भगवान, आज तो ये कृष्ण बलराम ने गजब के चक्कर में डाल दिया है, रात भर चलता ही रहा, रुकने थकने का नाम भी नहीं, सवेरा हो गया। एक दिवस मेरे की जीवन में ऐसी रात और ऐसा सवेरा आज ही हुआ। एक दिवस की कथा ने तेरा दिल दिमाग अस फेरा, मोहन सा अब गई बीत जीवन का हुआ सबेरा, गोवर्धन धन्य भाग्य है तेरा। बाहरी आज की रात और बाहरी आज की प्रभात, इसी बीच में एक व्यक्ति चलो संतोष की बात है, लगता है मैं अपने मंजिल पर पहुंच गया। सामने नदी दिखाई पड़ रही है, संभव यही जमुना है, किंतु यहां तो इस देश में नदियों का जालसा बिछा है, कोई दूसरी नदी भी हो सकती है। मेरा मन तो कहता है कि यही जमुना है। अम्मा मड़वे बाबा मड़वे, अरे अम्मा मड़वे बाबा मड़वे, हरी नमा नहीं मड़वे रे, अरे मड़ा हरी रामा लेते चलवे रे,
अरे मड़ा हड़ीड़ा माल ते चल बेरे दादी मड़बे दादा मड़बे दादी मड़बे दादा मड़बे हड़ीड़ा माना ही मड़बे रे अरे मड़ा हड़ीड़ा माल ते चल बेरे अरे मड़ा हड़ीड़ा माल ते चल बेरे नानी मड़बे नाना मड़बे नानी मड़बे नाना मड़बे हड़ीड़ा माना ही मड़बे रे अरे मड़ा हड़ीड़ा माल ते चल बेरे अरे मड़ा हड़ीड़ा माल ते चल बेरे ए भाई साहब। हाँ भैया पूछिए। यह कौन सी नदी है भैया? यह तो श्री जमुना जी है। वाह, यही जमुना नदी है? हाँ जी, यही जमुना जी है। अच्छा, एक बात और आप बता सकते हैं? पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? यहाँ से वृंदावन अभी कितनी दूर है? महाराज, अभी आप जहाँ खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, यही तो वृंदावन है। यही वृंदावन है जी? हाँ जी, आप अभी वृंदावन में हैं। चल गोवर्धन, वृंदावन पहुंच गया, अब तो मैं चलूं सरकार। पधारो। नाना मड़बे नानी मड़बे नाना मड़बे नानी मड़बे हड़ीड़ा माना ही मड़बे रे अरे मड़ा हड़ीड़ा महल ते चल बेरे वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन। श्री जमुना जी मिल गई, वृंदावन मिल गया, अब तो कदम्ब वृक्ष का मिलना बाकी रहा। कदम्ब वृक्ष जमुना तट गोकुल वृंदावन वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि गोवर्धन कदम्ब वृक्ष यमुना तट गोकुल वृंदावन वृंदावन मधुबन गोकुल गिरि गोवर्धन। प्रभु कृपा से वृक्ष भी मिल गया एक कदम्ब का केंद्र बिंदु बना यही निज लक्ष्य हित अवलंब था। वह भले वृंदावन न हो लगता था वृंदावन सरिस यह उसकी अपनी भावना थी स्वप्नगत निज मन सरिस। वृंदावन भले न हो लेकिन इसकी भावना के अनुसार प्रभु ने मार्ग में ही प्रकट किया और दृश्य देखा, आगे क्या सोचते हैं? चल गोवर्धन, ये सामने खड़ा वृक्ष कदम्ब वृक्ष भी मिल गया, जमुना मिल गई, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। जमुना भी मिल गई, वृंदावन भी मिल गया, कदम्ब वृक्ष भी मिल गया, अब क्या मिलना बाकी रहा? अब तो बस कृष्ण और बलराम का मिलना बाकी रहा, वे भी मिल जाएंगे। गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन सुंदर श्याम नील मणिकन्नो जन जीवन गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नद नंदन सुंदर श्याम नील मणिकन्नो जन जीवन। वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन 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 गोकुल वृंदावन।
कृष्ण और बलराम कन्हैया मनमोहन, कृष्ण और बलराम कन्हैया मनमोहन, दाऊ और बल देव शेष प्रभु शंकर सन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। बच्चू अभी इधर उधर क्या देख रहे हो बेचारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ठहरे अभी सो रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा मैया उन्हें जगा रही होगी, जाग जाओ लाला जाग जाओ, जगेंगे निबटेंगे नहाएंगे कुछ खाएंगे, गौओं को गोप ग्वालों को इकट्ठा करेंगे फिर चलेंगे, चलते यहां तक आने में देर लगेगी, फिर तो प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। चलो गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, गोपीनाथ गोपाल गोविंदा नंद नंदन, सुंदर श्याम नील मणि कन्नो जन जीवन, हाँ सुंदर श्याम नीलमणि कन्नो जन जीवन, दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन, ओ दामोदर नवनीत प्रिय गिरिराज धरन, राधारमन गिरिराज धरन बैठे शरण, श्री राधारमन गिरिराज धरन में तेरी शरण, बंसी वादन नर्तन कीर्तन गोचारण, ओ वंशी वादन नर्तन कीर्तन गौचारण, संकट तारण भय हारण भक्तन उद्धारण, संकट तारण भय हारण भक्तन उद्धारण, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन, वृंदावन वृंदावन गोकुल वृंदावन। बंसी बजाते गौवे चराते यहीं पर वे आएंगे, कर लो प्रतीक्षा कुछ समय में यहीं पर वे, बंसी बजाते गौ चराते यहीं पर वे आएंगे, कर लो प्रतीक्षा कुछ समय में यहीं पर मिल जाएंगे, हो वे मनोरथ पूर्ण मेरा आज जमुना तीर पे, दूर भागेगी दरिद्रा जाएगी आखिर पे। अब तो बहुत समय बीत चुका, पंडित के बताए हुए के अनुसार अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए, किंतु पता नहीं अब तक क्यों नहीं आए। अति विकल आतुर प्रतीक्षा कर रहा घन श्याम का, नाम ले ले ध्यान धरता श्री वृंदावन धाम का, चितई चहु दिस थक गए नैना निहार निहार के, वृक्ष पर चढ़ के निहारत दूर आंखें फार के, पराकाष्ठा पर विकलता धीर कैसे धारिए, चारों तरफ इधर से उधर कभी वृक्ष पर चढ़ जाना कभी इधर उधर निहारना, प्रभु के मिलन की प्रतीक्षा और उसकी घड़ी कैसी मनोरम होती है यहां देखने योग्य है। चितई चहु दिस थक गए नैना निहार निहार के, वृक्ष पर चढ़ के निहारत दूर आंखें फार के, पराकाष्ठा पर विकलता धीर कैसे धारिए, होय जितनी देर लेकिन सतत पंथ निहारिए। बार बार इधर से उधर निहारने का प्रयास, डाकू सोचते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, अब तक वे क्यों नहीं आए,
अब तो मुझे भी देखना है कि वे कब तक तरसाते हैं। इतनो दिन चढ़ी आए अब तक क्यों नहीं आए वृंदावन में। इतनो दिन चढ़ी आयो अब लो क्यों नहीं आए वृंदावन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल है मन। दोनों मधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। न कबहूँ ऐसी भई बेचैनी बुद्धि मन प्राण हरि लेनी। न कबहूँ ऐसी भई बेचैनी बुद्धि मन चित्त प्राण हरि लेनी। लगे पर की अनीसी बैनी बेचैनी बढ़ी जाए छन 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 में। लगे पर की अनीसी बैनी बेचैनी बढ़ी जाए क्षण क्षण में। इना देखे जब हालत ऐसी देखी के होवे जाने कैसी। मेरी तो हो गई ऐसी तैसी विलक्षण जादू कथा प्रवचन में। नेहनिधि नारायण प्रिय सखी तुम्हारी लीला अद्भुत लखे। नेह निधि नारायण प्रभु सखे तुम्हारी लीला अद्भुत लखे। चोर डाकुन हूँ को मन रखे भाव विपरीत सतत चिंतन में। चोर डाकू को मन रखे भाव विपरीत सतत चिंतन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। दोनों कृष्ण और बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। निकाली ऐसी को एक गली बात इन हू की बन गई भली। निकाली ऐसी को एक गली बात इन हू की बन गई भली। भक्त वत सलता से कुछ भिन्न पतित पावनता गुण प्रगटन में। भक्त वत्सलता से कुछ भिन्न पतित पावनता गुण प्रगटन में। दोनों बंधु कृष्ण बलराम मचाए हलचल मेरे मन में। दोनों श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय। जितनी व्याकुलता पूर्वक ये गोवर्धन डाकू कहें कि भक्त कहें, अब तक डाकू रहे होंगे लेकिन अब तो चूंकि कान के रास्ते से घुसकर कन्हैया मन में मस्तिष्क में दिल दिमाग में बैठ गया है इसलिए अब डाकू कहना ठीक नहीं है, अब तो ये भक्त हो चुके हैं। जितनी व्याकुलता पूर्वक वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कृष्ण बलराम की, उतनी ही व्याकुलता पूर्वक एक बच्ची मेरे पास खड़ी है, ये अपने माता पिता और गार्जियन की खोज कर रही है कि पता नहीं मेरे माता पिता मुझको छोड़कर कहाँ चले गए कहाँ बैठ गए। भैया इसको एक बार मंच पर खड़ा कर दें ताकि इसके माता पिता देख लें। चप्पल छोड़ दे बेटा। भक्त वत्सलता से कुछ भिन्न पतित पावनता गुण प्रगटन में।
कुछ भिन्न भिन्न प्रतीत पावनता। पता नहीं किसी और बल की ओर तो नहीं चले गए। पंडित जी कहते थे कि उनके गोचारण वाला क्षेत्र तो बहुत विस्तार वाला है, 12 वनों का नाम तो मुख्य कह करके बताया है, मधुबन, वृंदावन, भांडिर वन, गोकुल, बेल वन, गिर गोवर्धन, धीर, समीर, छाहरी इत्यादि। मैं खोज कर रहा हूं वृंदावन की सीमा में, और भी वो अपनी गौओं को लेकर किसी अन्य वन की ओर न चले गए हैं। ऐसा न होगा वे चरावन और विपिन चले गए हैं, ऐसा हुआ तो आज हम दुर्दैव हाथ चले गए। फिर भी निराशा पाए के ऐ मन न हिम्मत हार तू, बन बन आने को खोज के अब ले ही उन्हें निकार तू। मुख से कहता यो मगर प्राणों पे दीखे बीतती, उतमे प्रभु ने निरख वापे विरह दशा व्यतीतती। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम, जहाँ जिसका भाव केंद्रित वहीं पर प्रगटाम्य हम। इस भाव और सिद्धांत के अनुसार प्रभु सोचत भय, व्यापक स्वरूप विचार निज प्रगटन को संकोचत भय। इतने में बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी है रास्ते में चलते चलते। आखिर भगवान को पतित पावनत्व गुण प्रकट करना ही पड़ा। बंसी की ध्वनि सुना है डाकू, अभी दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन बंसी की ध्वनि क्रम क्रम से नजदीक होती जा रही है। जय हो, जय हो मेरे प्रभु, जय हो, बोल भक्त बक्सल भगवान की जय हो। दृढ़ लख के उसकी भावना प्रभु को प्रकट होना पड़ा, और गोवर्धन को अपना अपन पौ खोना पड़ा। बोलिए भक्त बक्सल भगवान की जय हो। श्री पतित पावन भगवान की। आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने। हर लिया डाकू का मन श्री कृष्ण और बलराम ने, हर लिया डाकू का मन श्री कृष्ण और बलराम ने। अधर धरी बंसी बजाते नाचते और थिरकते, अधर धरी बंसी बजाते नाचते और थिरकते। ताजगी ऐसी अब ही आए निकर के थिरकते, ताजगी ऐसी अब ही आए निकल के खिरकते। आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, आ गए दोनों। विप्र से जो जो सुना था उससे भी सजे हुए, विप्र से जो सुना था उससे भी अधिक सजे हुए। अपनी हस्ती अपनी मस्ती माही खूब मजे हुए, अपनी हस्ती अपनी मस्ती माही खूब मजे हुए। आ गए दोनों अदा की चाल चलते सामने, हो गया डाकू मगन श्री कृष्ण को बलराम ने,
हर लिया डाकू का मन, श्री कृष्ण और बलराम ने आ गए दोनों भय आमने सामने, बीच नहीं को और इत संसारी चोर उत दिव्य चोर सिर मोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। दोनों सन्मुख हो गए, दोनों सन्मुख हो गए, कसे हुए दृढ़ फेंट, भैरव ब्रज में हो गई चोर चोर से भेंट। भैरव ब्रज में हो गई चोर चोर से भेंट। ओहो, ये मेरी क्या दशा हो रही है, लगता है मैं कहीं खो न जाऊं। मैं इन दोनों को लूटने आया हूं, छी ये लूटने लिए लूटने योग्य है बिल्कुल नहीं, यह तो और सजाना चाहिए। ये लूटने योग्य है कदापि नहीं, ये तो दुलारने योग्य है, सवारने योग्य है, सिंगारने योग्य है। कितना सुंदर सुंदर, कितना प्यारा प्यारा मुखमंडल, जी चाहता है कि अपना सर्वस्व इनके चरणों पर वार दूं, न्योछावर कर दूं। दाऊ दादा, गया गोवर्धन दीन दुनिया दोनों से, मुड़ गया शरणागति पथ की ओर। अच्छा ही हुआ इस बेचारे के हित में, तुम भी तो यही चाह रहे थे। इसके हित में तो अच्छा हुआ ही, आगे चलकर ये जिन जिन व्यक्तियों को अपनी चोरी अथवा डकैती का शिकार बनाता उनके हित में भी अच्छा ही हुआ। ये इनके भावी अत्याचार से बच गए, भविष्य के लोगों के लिए यह एक अनोखा आदर्श मिलेगा और इसकी देखा देखी और भी अनेकों दुराचारी दुर्जन सुधर सकेंगे। दाऊ दादा, मेरे मन में एक और कौतुक उमड़ रहा है। वह क्या? यदि तुम्हारा कुछ खेल बाकी रह गया हो तो वह भी मनसा पूरी कर लो। हाँ, एक इच्छा रह गई है और वह यह है कि इससे थोड़ी छेड़छाड़ का आनंद लिया जाए।